जब सब कुछ बंद है तब वेब सीरीज पाताल लोक रिलीज हुई। इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। वेब सीरीज की कहानी और किरदारों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब ये वेब सीरीज विवादों में फंसती नजर आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि अनुष्का शर्मा ने ऐसा क्या किया जो बॉलीवुड की इस ब्यूटीफुल लेडी को थमा दिया गया लीगल नोटिस। हाल ही में एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज विवादों में फंस गई है। सीरीज को बॉलीवुड एक्ट्रेस ने प्रोड्यूस किया है। दरअसल पाताल लोक को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद शो की को प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को एक लीगल नोटिस भेजा गया है। ये विवाद वेब सीरीज में बोले गए एक संवाद को लेकर है, जिसे नेपाली समुदाय ने अपने लिए अपमानजनक माना है। अनुष्का को ये नोटिस लॉयर्स गिल्ड के एक सदस्य वीरेन श्री गुरंग ने 18 मई को भेजा था। उनके मुताबिक शो के एक सीन में महिला पुलिसकर्मी थाने में नेपाली शख्स से पूछताछ के दौरान जाति सूचक शब्द के साथ गंदी गाली का इस्तेमाल करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरंग ने कहा कि हमें नेपाली शब्द को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बाद जो शब्द बोला गया है वो स्वीकार्य नहीं है। इसी वजह से हमने शो के 4 प्रोड्यूसर्स में से एक अनुष्का को कानूनी नोटिस भेजा है। गुरंग ने बताया कि अब तक अनुष्का या उनकी टीम की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद अब वे इस मामले को लेकर अमेज़न से बात कर रहे हैं। इस मामले में गोरखा समुदाय ने भी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इस विभाग के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अमेज़न प्राइम वीडियो और अनुष्का शर्मा के नाम एक ऑनलाइन याचिका शुरू करते हुए उस अपमानजनक शब्द को म्यूट करने, सबटाइटल को धुंधला करने और माफीनामा जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा एपिसोड को हटाकर उसकी जगह संपादित एपिसोड को भी अपलोड करने की मांग की। आपको बता दें कि पाताल लोक OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर 15 मई को स्ट्रीम हुई थी। इस वेब शो में जयदीप अहलावत, गुलपनाग, नीरज काबी, अभिषेक बनर्जी मेन रोल में हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क।